हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग, नमस्कार, जय श्री राम। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे। दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल सिंह बुरा ब्लॉग्स पे। दोस्तों, आज की शाम काफी अच्छी, आज है रामलीला का 10वां दिन। तो दोस्तों, आज होगा रामलीला में कुंभकर्ण मरण और मेघनाथ मरण। तो सबसे पहले मैं आपको ले चलता हूँ रामलीला स्टेज पर। दोस्तों, जिस तरह से मैं आपको वीडियो दिखा रहा हूँ, जिस तरह से मैं आपको ब्लॉग दिखा रहा हूँ आपको, तो लाइक तो बनता है। तो मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और इसी तरह अपना आशीर्वाद और अपना प्यार बनाए रखिए। तो ले जाते हैं हम एक बार रामलीला स्टेज पर। तो मैं तैयार हो चुका हूँ, मेरे साथ ये हनुमान जो हनुमान के साथ जो बंदर होते हैं वो भी तैयार हो रहे हैं। देखिए, घर से ही तैयार होके आ रहे हैं क्योंकि वहाँ छीना झपटी हो जाती है कपड़ों की। तो अब इनको भी मैं अपने साथ ले जा रहा हूँ। चलो रे। तो मैं पहुंच चुका हूँ रामलीला स्टेज के जस्ट ऊपर। तो यहाँ से देखिए कितना सुंदर लग रहा है स्टेज। और अब मैं जाऊँगा मेकअप रूम में और वहाँ पर मेकअप करूँगा अपना। तो दोस्तों, मैं आ चुका हूँ मेकअप रूम में और देखिए यहाँ सब तैयारियाँ हो चुकी है। राम जी तैयार हो चुके हैं, लक्ष्मण जी भी तैयार हो चुके हैं और मेघनाथ तैयारी चल रही है और सुग्रीव भी तैयार हो चुके हैं और यहाँ पर छोटे बंदर भी तैयार हो रहे हैं और जामंत भी तैयार हो चुके हैं और मेकअप मास्टर देखिए काफी फुर्ती में है आज। और हमारे विभीषण जी भी तैयार होने की तैयारी में है। होने के बावजूद भी लंकेश रावण के जिम्मे में कोई चिंता है न कोई घटान लंका राजमहल। विभीषण को वरदान दिया था, वो तो वरदान कुंभकर्ण ने मांगा था कि मेरी 6 महीने की नींद कुंभकर्ण का हर। लंकेश रावण का कुंभकर्ण महल में प्रवेश। पहले तो खुद लंकेश रावण ने कोशिश की, वो कहते हैं उसकी ठाका से तो समुद्र में लहरें उड़ जाती थी, बादल उड़ जाते थे, लेकिन उसका कोई असर नहीं हुआ। तब लंकेश रावण ने अपने राक्षसों को कहा कि तुम यथाशीघ्र कुंभकर्ण ने जाकर राक्षसों को जो उसके सामने शुरू किया, भयंकर मुख खोल करके मंत्री मंश मदरा जो जी जी बनाया लंका में सब ले गया
सब नाना प्रकार से कुंभकर्ण को मांस और मदिरा पिलाते हैं। तुमने बहुत बुरा किया, सिकंदर अभी मेरे भाभी आपके पास समय है, तुम जाग जाओ, अपने दिमाग को थोड़ा ठिकाने लाओ और अपना अभिमान त्याग करके उन रामचंद्र को जिनकी सीता को तुम हर करके लाए हो उनके चरण में जाकर के तुम अपनी करनी के लिए माफी मांगो और सीता को वापिस दे दो, इसी में तुम्हारा और लंका का कल्याण है। बहुत समझाने की कोशिश की लेकिन लंकेश रावण ने मेरी बात समझने के बजाय मुझे लात मार करके अपमानित करके लंका से निकाल दिया, अपने को दीन अनाथ समझ करके मैं प्रभु की शरण में आ गया हूँ, लेकिन मेरी यह गलती है। कुंभकर्ण से थिएटर में रावण मारू तू क्यों इस प्रकार से चिल्ला रहा है, तेरा मेरा तो अब देखता हूँ संग्राम कैसे होता है। और इधर एक तरफ से कुंभकर्ण धन गर्जन करते हैं और दूसरी तरफ से रामचंद्र जी समझ जाते हैं कि कल के युद्ध में लक्ष्मण जी अस्वस्थ हैं।
इनके हिसाब कर रहे हैं कि हे प्यारे बंधु, हे कुंभकर्ण, तुम मुझे छोड़ करके क्यों गए? तुमने देवताओं, असुरों, बड़े बड़े भीरू को जीता और कोई भी योगी, तापस या पराक्रमी तुम्हारे सामने कभी टिक नहीं सकता। आज तक तुम मेरी इस लंका के नींव थे, अब मेरी पूरी नींव हिल गई है। मैं इस लंका को कैसे संभाल पाऊं? रावण को दुखी देख करके ढाढ़स बनाते हुए मेघनाथ रावण से भाषा में, हे तात, सो त्याग धैर्य धारण कीजिए। आप जैसे पुरुषों का व्याकुल होना शोभा नहीं देता। हे तात, मैं शीघ्र जाकर सभी राक्षसों का बदला लेता हूँ। वानर भालू सहित दोनों तपस्या को यमपुर पहुंचाता हूँ। ये तो बहुत अच्छी बात है, तुम कल शीघ्र जाकर दोनों तपस्या को पाकर मेरे सामने ले आना। प्रकार पिता की आज्ञा पाकर के मेघनाथ घन गर्जन करते हुए अपने राक्षसी दल के साथ इधर युद्ध क्षेत्र मार देते। एक तरफ से शेषावतार लक्ष्मण जी अपनी बांदी सेना के साथ सेना को राम लक्ष्मण सहित लाभ पाते हैं और इधर अजेत होकर के मेघनाथ गिर पड़ता है। तब पूरा युद्ध क्षेत्र में आकर के मेघनाथ जामवंत से तब गंध जी उस नागपात को काटते हैं और रामचंद्र जी की सेना मुक्त हो जाती है। लक्ष्मण से चौपाई में तुम्हें विधाता ने बचा लिया, लेकिन अब तुम अवश्य ही यमपुर जाओगे। इस प्रकार लक्ष्मण जी मेघनाथ से ठुमरी में, मेघनाथ तुझे मैं मारूं, तेरे घर से शिशु उठाऊं। तेरे धड़ से वैसे सऊदा
छह साल था लक्ष्मण जी आगे आकर के मेघनाथ का रास्ता रोकते हुए कह रहे हैं कि हे मेघनाथ तू इतना घमंडी मत बन, मैं अब दिखाता हूँ तुझे, तेरे शरीर के टुकड़े टुकड़े करके अगर चारों दिशाओं में नहीं फैलाए तो मैं रामचंद्र जी का सेवक नहीं कर पाऊंगा और जब लंका का राज जब तक मैं विभीषण का राज सेवक नहीं करूंगा तब तक रघुवंश जी नहीं कहूंगा। इस प्रकार मेघनाथ लक्ष्मण से राधेश्याम होते हुए सबसे पहले उसकी माया को काटते हैं और अपने तीक्ष्ण बाणों से मेघनाथ के शरीर के टुकड़े टुकड़े करके चारों दिशाओं में फैला दिए हैं। इधर कटा हुआ सिर रामचंद्र के शरण में पड़ा है और कटा हुआ हाथ सुलोचना महल में पहुंचा। देखिए सुलोचना महल सुलोचना अपने महल में बैठी है। इस प्रकार शेष अवतार लक्ष्मण जी द्वारा मेघनाथ का कटा हुआ हाथ इधर सुलोचना महल में पहुंचता है और इस कटे हुए हाथ को देख करके सुलोचना आश्चर्यचकित रह जाती है। तब उस कटे हुए हाथ से दोहा में की भुजा जैसी दिखे मोरियाली विधाता में या क्या समाचार सुन रही हूँ। मेरे पत्तो युद्ध क्षेत्र में लड़ने को गए थे या कैसी खबर आ गई। मैंने तो कितनी बार समझाया अपने पति को लेकिन वे काल विवश होकर के किसी भी प्रकार नहीं माने। हे विधाता अब मैं क्या करूँ। इस प्रकार सुलोचना रावण मेरे पति युद्ध क्षेत्र में वीरगत को प्राप्त हो गया है। कटा हुआ हाथ मेरे महल में आया है और मेरे पति का सिर कट करके रामचंद्र जी के चरणों में पड़ा है। अब ऐसा जतन कर दीजिए जिससे मैं अपने पति के सिर को प्राप्त कर सकूं। शेषावतार लक्ष्मण जी रामचंद्र से कह रहे हैं कहना दिया ना कन्या अपने पति के सिर को मांगने के लिए आ रही है। यह मेघनाथ त्रिया सुलोचना है
जो कि सभी बानर आज देख रहे हैं, इसका मनोरथ पूर्ण करके इसके पति को शीश को इसको दे दीजिए। तब सुलोचना राम हे कपिराज, इन्हें इनके पति का शीश दे दो। तब सुनिए प्रभु, हम यह कैसे सत्य माने, यहाँ तो हजारों योद्धा हजारों राक्षस मारे चुके हैं, इसके पति का सिर यज्ञ है या क्या है यह तो हम कुछ नहीं जानते। तब रामचंद्र जी तब सुलोचना कटे हुए शीश से प्रार्थना करते हुए भाषा में, यदि मैं पतिव्रता नारी हूं तो कटने के बाद भी हंस दो। में भस्म होकर के अपने पति के लोग वैकुंठ लोग को सिधार जाते हैं। सज्जनों, कल को रामायण का अंतिम दृश्य यानी अहिरावण वध, लंकेश रावण वध और रात तिलक के साथ ही कल रामलीला का जो कार्यक्रम है वो समापन हो जाएगा और अधिक से अधिक तो दोस्तों आज की रामलीला यहीं पर समाप्त होती है। दसवें दिन की कैसी लगी रामलीला कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर कमेंट करें। मिलते हैं कल, शुभ रात्रि, गुड नाइट, जय श्री राम।